मऊ जिले के फतेहपुर मंडा ब्लॉक के जोगरी हिसामपुर दलित बस्ती आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। घास फूस की मकान गांव में पुराने जमाने की कच्ची दीवार पर खपरेल बजबजाती नालियां ढेबरी की रोशनी जीने को मजबूर हैं। आज जब लोग चांद सूरज पर जा रहे हैं, इस गांव के लोग आदिवासियों की तरह जिंदगी जीने को मजबूर है। ग्राम प्रधान सुविधाओं के नाम पर पैसा वसूली करके डकार गया, न आवास मिला न शौचालय। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कोई अधिकारी भी गांव में नहीं आता। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर बसा ये गांव आज के ज़माने में भी अजूबा है। आज उस इलाके के समाज से भी तज्जन खान ने पत्रकारों को दर्द बताकर सच्चाई को समाज के सामने लाने का अनुरोध किया। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश गुप्ता। मकान आपकी है जी? वो आवास आपको नहीं मिला है? प्रधान से कहे थे आप? हाँ। ये तो मकान गिर रही है, खपड़े का मकान है। हाँ, क्या करें, लाचार हैं, अब तो बाहर रह रहे हैं। छठू लाल, ये कौन सा गांव है? ये शेखपुर है। कौन प्रधान आपका है? अशोक प्रधान है। ये तो पूरी मकान आपके गिर गई। आवास मिला है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला। कहा नहीं आवास मिला आपको, क्या कर रहे हैं? अब आवास के लिए वो हम कह रहे थे तो बोले कि पैसा वैसा मांग रहे हैं। पैसा के लिए तो नहीं बोले थे, लेकिन वो कह रहे थे पैसा वैसा के लिए। मऊ से संवाददाता जगदीश सिंह की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज़।